बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि विशाल भैया बहुत ज़्यादा बोल रहा है आपके बारे में, एक वीडियो आपको डालना चाहिए, एक वीडियो डाल रहा हूँ लास्ट, इसके बाद ये लोग कुछ भी बोल ले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जहाँ पर आकर जो वीडियो बाइट दे दें। आज सुबह सुबह मैंने इसका एक इंटरव्यू देखा कि तू मेरे ज़्यादा स्मार्ट है क्या? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, ये सलाह अभी तक इसी में है कि मैं स्मार्ट हूँ कि वो स्मार्ट है। ये लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे ना व्यूवर्स की ज़रूरत है, मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, मुझे यूट्यूब पे फेमस होना है। अभी जब मैंने पहला वीडियो बनाया था ना, तभी मेरे चैनल पे ना 3 सब्सक्राइबर से 10,000 पहुंच गया था। उसके बाद भी मैंने कभी बीच में वीडियोस नहीं डाला, क्योंकि मुझे ये करना ही नहीं था। चैनल मोनेटाइज हुआ, उसमें पैसे हैं, डॉलर्स हैं, मैंने विड्रॉ नहीं किया आज तक, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और तू ऋतिक रोशन है क्या? तुझे देख करके तुझे तू बोलेगा मेरे बारे में फेमस हो जाऊँगा? लेट इट बी, मैं थोड़ी देर में लिंक शेयर करूंगा, वीडियो आप लोग देखिएगा। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि विशाल भैया बहुत ज़्यादा बोल रहा है आपके बारे में, एक वीडियो आपको डालना चाहिए, एक वीडियो डाल रहा हूँ लास्ट, इसके बाद ये लोग कुछ भी बोल ले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जहाँ पर आकर जो वीडियो बाइट दे दें। आज सुबह सुबह मैंने इसका एक इंटरव्यू देखा कि तू मेरे ज़्यादा स्मार्ट है क्या? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, ये सलाह अभी तक इसी में है कि मैं स्मार्ट हूँ कि वो स्मार्ट है। ये लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे ना व्यूवर्स की ज़रूरत है, मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, मुझे यूट्यूब पे फेमस होना है। अभी जब मैंने पहला वीडियो बनाया था ना, तभी मेरे चैनल पे ना 3 सब्सक्राइबर से 10,000 पहुंच गया था। उसके बाद भी मैंने कभी बीच में वीडियोस नहीं डाला, क्योंकि मुझे ये करना ही नहीं था। चैनल मोनेटाइज हुआ, उसमें पैसे हैं, डॉलर्स हैं, मैंने विड्रॉ नहीं किया आज तक, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और तू ऋतिक रोशन है क्या? तुझे देख करके तुझे तू बोलेगा मेरे बारे में फेमस हो जाऊँगा? लेट इट बी, मैं थोड़ी देर में लिंक शेयर करूंगा, वीडियो आप लोग देखिएगा।